देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। साहब अगर और मारेंगे तो मर जाएगा ये। मारिए मारिए मत सर, मारिए मत, मैं गुनाह कबूल करता हूँ सर। मैंने अब तक 100-150 लोगों का खून किया है, उन्हें कहाँ मारा, कहाँ दफनाया, सब बताता हूँ सर। बड़े साहब के सामने सब कबूल कर। हाँ सर। ठीक है, पानी, थोड़ा पानी मिलेगा? देता हूं। अरे कंपाउंडर, तू अंदर जाकर पेशेंट को चेक कर और मैं यहां बाहर बैठकर लोगों को दवाइयां देता हूं। क्यों, सही लगा ना मेरा आइडिया? काम चोर हो गए। हाँ करण, अरे विक्की बात कर रहा है। हाँ काजल रानी आलिया से भी भारी हीरोइन लेके आया है अपुन बाबा। हाँ तेरा पिक्चर सुपर हिट करेगी बाबा। हाँ रुक, लेके आता है मैं। कहा रुक, टैक्सी बुक कर रहा हूं। क्या नसीब वाली है रे तू, तेरे को करण ने अभी के अभी ऑफिस में बुलाया ले। मैं हीरोइन बन गई ये देखकर तो मेरे घर वाले पागल ही हो जाएंगे। अब हर जगह बस मेरी फोटो, पेपर में मैं, थिएटर में मैं, टीवी पर भी मैं छा जाऊंगी। अब तो बस पैसा ही पैसा। एक बात बता दूं, डिंपल को ना सिंपल लाइफ पसंद नहीं है। जिंदगी में बस अमीरी होनी चाहिए। अरे टैक्सी भी आ गई, चल 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 चल, बैठ, चल जल्दी बैठ। साहब कहाँ चला लड़की को लेकर के? साहब इधर ही, इधर। कहाँ? अरे कहाँ लेके जा रहा था? कमाटीपुरा। कमाटीपुरा तेरी तो। साहब साहब उसे मत मारिए, वो बहुत ही ईमानदार आदमी है। ये और ईमानदार, हाँ तेरे को भी दू क्या कान के नीचे? कहाँ भाग रहा है, रोक। ये कहाँ तुझे लेकर जा रहा था मालूम है? साहब वो मुझे हीरोइन बनाने वाला है। तेरे घर वालों का नंबर दे, जल्दी चल। नहीं 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 नहीं, जब तक मैं हीरोइन नहीं बन जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ए चुप रे, चुप। और क्या है, कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पे? चल तो पुलिस स्टेशन चल। डॉक्टर ने ये गोलियां लिख के दी है। माफ कीजिए पर क्या आप इस हॉस्पिटल में पहले कभी आई थी? हाँ अपनी सास को लेकर आई थी। तभी मैं सोचूं, इतना प्यारा और खूबसूरत चेहरा इंसान अपनी जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। आपका नाम क्या है? कामिनी। ब्यूटीफुल नाम, बड़ा प्यारा है आपका। कामिनी ये गोलियां सुबह, दोपहर और शाम दो दिन खाना खाने के बाद दीजिए, और ये क्रीम रोज रात को सोने से पहले अपनी आँखों के नीचे लगाइए। लेकिन डॉक्टर ने तो मुझसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। ये क्रीम डॉक्टर नहीं, मैं दे रहा हूँ। रोज रात को आँखों के नीचे लगाइए, 8 दिनों में फर्क दिखने लगेगा। कितने पैसे हुए? 500 रुपए। और ये क्रीम की? ये आप क्या कह रही हैं? खूबसूरत औरतों से मैं क्रीम के पैसे नहीं लेता। हटिए उस तरफ, दवाई ले ली ना आपने तो सीधा रास्ता ना पिए।
मेरा मतलब सफाई करनी है मुझे। अच्छा हुआ तुम आ गई, वो औरत बहुत टाइम पास कर रही थी। झांसे मत देना तुम मुझे। तुमको क्या लगा मैंने देखा नहीं कौन किसके साथ टाइम पास कर रहा था? लेकिन मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मेरे लिए? इतने साल से यहाँ का पैसा चुरा रहे हो मुझसे शादी करने के लिए। अब तक पैसा जमा नहीं हुआ तुम्हारा? अरे जमा हुए हैं। फिर? लेकिन अब हमारे हनीमून के लिए जमा कर रहा हूँ। बड़े चालू हो तुम देवी, कुछ भी बोलते हो। डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता। अगर ठीक होना है तो दवाई और गोलियाँ टाइम पर लेनी होंगी। आपके असिस्टेंट डॉक्टर हैं, उन्होंने दी हुई सभी गोलियाँ ली, लेकिन उससे तो बीमारी और बढ़ गई। मेरा असिस्टेंट डॉक्टर? हाँ, जो बाहर बैठते हैं। वो तो मामूली कंपाउंडर है। उन्होंने तो पिछली बार मेरा चेकअप किया था। उसने चेकअप किया? और क्या, आप तो मेरी परिस्थिति जानते ही हैं। दूसरे घरों का काम करके मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। आपने मुझसे कभी भी कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन उसने दवाइयाँ दी और 400 रुपए लिए मुझसे। क्या? ₹300। ऐसे कैसे? डॉक्टर ने तो फीस देने से मना किया है। नहीं, ये फीस नहीं है। डॉक्टर साहब ने महंगी दवाइयाँ दी है ना, ये उसके पैसे हैं। लेकिन डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, अभी आपके सामने ही डॉक्टर को फोन करके पूछता हूँ। हाँ डॉक्टर, बाहर जो पेशेंट आई है उनसे 300 रुपए ही लेने हैं ना। हाँ मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ डॉक्टर भी वही कह रहे हैं, फीस के पैसे नहीं पर दवाई के पैसे देने होंगे। तो अब आप क्या करेंगी, पैसे देंगी या दवाई वापस करेंगी? देती हूँ। चोर, हरामखोर, मेरे पेशेंट को बेवकूफ बना रहे हो। इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहा है, तुझे पगार भी अच्छी दे रहा हूँ, और तू, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। कहाँ जा रहा है? ए रुक रुक तो रुक रुक, कहाँ भागे जा रहा है? कोई मेरी कॉलर को हाथ लगा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुझे जेल क्या हुआ खिलवाऊंगा मैं? बचपन से पत्थर फोड़ते आ रहा हूँ कातरवाड़ी में, तू क्या मुझे उस बात से धमका रहा है? ये देख टकले, तेरे सारे पैसे उड़ाकर गायब हो रहा हूँ। जो करना है कर ले। तूने मुझ पर वार किया है, छोड़ूंगा नहीं। पुलिस। देवी, देवी सुनो ना देवी, 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 देवी सुनो ना देवी, देवी, देवी सुनो ना। अरे तुम्हें पता है क्या, उस डॉक्टर ने पुलिस को बुलाया है। हाँ तो? अरे तो मतलब क्या, तुम्हें पुलिस से कोई डर नहीं लगता क्या? देवी तुमने क्यों बखेड़ा खड़ा किया? सॉरी बोल के मैटर खत्म कर देते ना। उस टकले ने मेरा कॉलर पकड़ा था। और अब तुम्हें पुलिस पकड़ेगी, उसका क्या? क्या? देवी, देवी सुनो ना, तुम मत जाओ ना जेल। तुम जेल चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? ए, दिमाग का दही मत कर। मैं उस डॉक्टर को सॉरी नहीं बोलूंगा और जेल भी नहीं जाऊंगा। अरे जेल तो तब जाऊंगा ना जब पुलिस के हाथ लगूंगा। चलो टिकट, टिकट लो, टिकट टिकट चलो। एक भावरवाड़ी देना। बाबा ये पास नहीं चलता है प्राइवेट गाड़ी में। गिर गया।
चलो आगे टिकट बोलो। ये लो। नारायण हरि। बाबा पानी लीजिए। कितना खास रहे हो, इतनी खांसी आ रही है, घर बैठकर आराम कर लेते। अरे इस जन्म में मेरे नसीब में आराम कहाँ है बेटा, अगर मैंने आराम किया तो पूरा परिवार उपवास से मर जाएगा। आपके कोई बच्चे नहीं है क्या? एक बेटा था, खेती का कर्ज बड़ी मुसीबत थी, उसी टेंशन में वो कुएं में कूद के मर गया। बेटा जब गया तो उसके पीछे पीछे मेरी बहू ने भी जान दे दिया। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिसको मैं ही संभालता हूँ। मेरी पत्नी का पाँव कट गया है, वो हाथ से ही चलती फिरती है। तो फिर उन्हें छोड़कर आप कहाँ घूम रहे हो? उनके लिए ही तो बाहर निकला था, घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे सारे किसान भाइयों ने मुझे समझाया कि अब तू मुंबई चला जा और पैसे कमा, वहाँ तुझे ज्यादा पगार मिलेगा। तभी मैं मुंबई आ गया ताकि मैं लौट कर घर आऊं तो बीवी और पोते पोतियों को पेट भर के खाना खाने की कोई कमी ना हो। राम कृष्ण हरि। अच्छा अपना हाथ दिखाइए सर। क्यों भला? अरे दिखाइए तो सही, फिर बताता हूँ। दिखाइए आंखें दिखाइए। अरे बाबा आपको तो बहुत कमजोरी है। बदन भी दुखता है मेरा, पर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? अब ये बात एक डॉक्टर को पता नहीं चलेगी तो किसे पता चलेगी? मेरे पास एक गोली है, वो लीजिए, फिर बेहतर लगेगा आपको। हाँ पानी लीजिए, एक गोली, अब हमेशा के लिए आराम। पैसा कितना दे दूं तुमको? अरे क्या बाबा, आपसे पैसे लूंगा तो नर्क में जाऊंगा मैं, रहने दीजिए पैसे। लगता है तुम्हारे रूप में मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए डॉक्टर साहब। तुम्हारा हाथ देखूं? हाँ। बहुत नसीब वाले हो तुम डॉक्टर, इस हाथ में ये लिखा है कि बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है तुम्हें। आ गया। ओ बाबा बाबा, लास्ट स्टॉप आ गया, उतर जाइए। ओ बाबा, उसने अपना जुर्म कबूल किया है। क्या? ओ, 100-125 लोगों को उसने मार डाला। उनके नाम, उन्हें कहां दफनाया है, ये सब बताने के लिए वो राजी हो गया है। सर आपके सामने ही सारा गुनाह कबूल करवाता हूँ उससे। चलो चले प्लीज। ए, तूने अभी जो मुझे बताया वो साहब को भी बता दे, कबूल कर सब कुछ। अब तक कितने और किसके कत्ल किए तूने, बता। सर, सर मुझे मारिए मत, सर सर मारिए मत मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखिए ना सर, इन लोगों ने खून निकलने तक मारा मुझे सर, देखिए। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया सर, सर एक चींटी तक नहीं मारी मैंने कभी। ऐसे किसी को धमका कर मार कर झूठे जुर्म में मत फंसाइए सर। सर मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, पैर पकड़ता हूँ सर। माने सर, सर ये नाटक कर रहा है, ये नाटक कर रहा है, अभी मेरे सामने सब कुछ कबूल किया था इसने। नहीं सर, 100-125 लोगों को मार डाला है इसने सर, ये झूठ बोल रहा है। ए, कबूल कर, तू कबूल कर। माने सर,
सर मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज सर सर मेरी बात सुनिए प्लीज। झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है, सब नाटक है उसका। मेरे सामने सब कबूल किया था उसने। माने मुझे मालूम है कि खून उसी ने किया है, पर ऐसे गुनहगार गुनाह कबूल करता नहीं है। मुझे मालूम है कि उसने खुद अपने हाथ को जख्मी किया है, तो बताओ उसे कोर्ट में कैसे पेश कर दूं? कोर्ट में भी पलटी मार देगा वो। बाबा बचा लीजिए, मम्मी मार रही है। अरे रुको, मारो मत इसे। बेटा घर से जो पैसे चुराए थे वो कहाँ है? वो मुंबई में खर्च हो गए। क्या कहा? फिर से बोल। 5,000 खर्च कर दिए? क्यों बर्बाद करने पर तुली है हमें? खर्च करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं? अगर घर पर मुसीबत आई तो क्या करेंगे हम? बता मुझे, इधर आ तू। अरे तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या? मुझे नहीं दिखता, लेकिन तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? अजी देखो ना, मम्मी मार रही है। क्यों मार रही है? मेरे नातिन को मुंबई में हीरोइन बनने के लिए घर से चोरी करके भागी थी। अरे भगवान, मेरा सोना गया, मेरा जेवर गया, इस लड़की ने अपने ही घर में चोरी की। मार इसको और मार। सड़ फोड़ी जाती हूँ तुझे। अरे मम्मी रुको ना, अजी तुम्हारा सोना नहीं लिया था मैंने, कर्जे की किस्त चुकानी थी वो पैसे लेकर गई थी। क्या बोलते हुए शर्म नहीं आती है? फिर कहाँ जा रही है? मार इसको। अरे रुको मंगल, बेटा तुम्हें जाना था तो चली जाती, लेकिन पैसे क्यों चुराए तुमने? अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लड़की को कुछ हो जाता तो पुलिस की वजह से बच गई है, और आपको पैसे की पड़ी है। गलती इसकी नहीं है, आपकी ही है। आप तो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाए, उसी की कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। अरे भगवान ने मुंह दिया है तो कितना बोलोगी? वो घर के लिए कम मेहनत कर रहे हैं क्या? रात को वॉचमैन की नौकरी करना इतना आसान लगता है क्या तुम्हें? वॉचमैन की नौकरी सिर्फ 5,000 मिलते हैं, क्या क्या करेंगे उसमें? सारा पैसा तो कर्जा चुकाने में चला जाता है, और ये 5,000 रुपए फूंक कर आई है, और आज कर्जे की किस्त नहीं चुका पाई, और वो लोग घर खाली करवाने आए तो क्या करेंगे हम? कहाँ से आएगा पैसा? अब ऐसा करो, अपने हाथों से इस घर को आग लगा दो, तब जाके शांति मिलेगी। मारो मारो और मारो, मुझे मुझे मार डालो, तभी आपको खुशी मिलेगी। आप मेरी सौतेली माँ है, इसलिए ऐसा कर रही है ना? क्या कहा? सौतेली, क्या कमी थी मेरे प्यार में? अपने सगी औलाद से भी ज्यादा प्यार दिया है तुझे। मैं जो कुछ कर रही हूँ वो सब तुम्हारे भले के लिए ही तो है, तुम समझती क्यों रही हो? इसके साथ कभी भी सौतेली माँ जैसे बर्ताव किया है क्या? अपने हाथों में बिल्कुल फूलों की तरह रखा है। जब तक इसका पेट नहीं भरता था मैं नहीं खाती थी, फिर भी मैं सौतेली माँ लगती हूँ इसे। बोलिया क्या करूँ मैं अब? जा चाय बना के ला, मेरा गला सूख रहा है। यहाँ मिलेगी आपको आपकी मनपसंद जगह। तो चलता हूँ मैं, मुझे मेरे मॉल में जाना होगा। मॉल? मॉल दुकान है अपनी, भाजी तरकारी कम, किराना माल कम, दवा दारू कम, खेती की दवाइयाँ कम, लाली पाउडर बंगड़ी ये सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए लोग इसे नामिया का मॉल कहते हैं। नामिया मतलब मैं। तो मैं चलूं? जाना होगा, आपको कुछ जरूरत पड़ी तो बताना।
हाँ, चलता हूँ। अच्छा सॉरी 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 एक गोली अब हमेशा के लिए आराम। घर में कोई है? अरे शायद घर पर कब्जा करने आए हैं। हे भगवान साहब। अभी 1200 ही है, बाकी के पैसे जल्द ही चुका देंगे। मेरे घर पर कब्जा मत करिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। ये आप क्या कर रही हैं? और मैं क्यों आपका घर जब्त करूंगा? अब आप बैंक की तरफ से आए हैं ना, हमारे कर्ज की किश्त बाकी है, इसलिए घर पे कब्जा करने के लिए। नहीं, मैं वाड़ा देखने आया हूँ। देखने आया हूँ मतलब? हमें ये घर बेचना नहीं है, पुरखों की बस यही निशानी बची है हमारे पास। मैंने कहा देखने आया हूँ, खरीदने नहीं। मैं अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार दे, MBBS, बेस्ट डॉक्टर इन मुंबई। नमस्कार, ये घर देखना है मतलब? मैंने मुंबई में डॉक्टरी में बड़ा नाम कमाया है, पैसे कमाए हैं, अब यहाँ रहकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ क्लिनिक शुरू करना है। आपके घर में किराए की जगह चाहिए मुझे, मैं किराया दूंगा। कितना किराया दोगे? 7000 रुपये महीना। अगर कम लग रहे हैं तो 8000 रुपये महीना। लेकिन हमारा घर। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप लोग यहीं रहते हो, लेकिन मुझे पूरा घर नहीं चाहिए, बस इधर ही थोड़ी जगह मिल जाती तो। चलिए ठीक है, मैं 10000 रुपये महीना दूंगा, लेकिन मना मत कीजिए। चलिए 6 महीने का किराया एडवांस के तौर पर देता हूँ, अब तो ठीक है। अब क्या सोच रही हैं? मुझे जगह देंगी या दूसरी देखूं? बैंक की किस्त चुकानी है ना आपको, फिर सोचना क्या है? लाइए पैसे मुझे दीजिए और अपना दवा खाना यहीं बनाना। हाँ। बाकी के जब रहने आऊंगा तब देता हूँ। सुनिए, ये लीजिए पैसे, गिन लो और आज ही किस्त भर दीजिए। अब क्या सोच रहे हो आप? ये लीजिए, डॉक्टर के रूप में भगवान ही आए हैं घर में। डिम्पी, हाँ? साहब को पानी दे। हाँ देती हूँ। ये कार्ड, ये मेरे पेशेंट का है, उस पर जो पता लिखा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, ये सर पर पट्टी क्यों बांधी है आपने? वो जरा टेंशन हो रही है तो सर दुख रहा है। हाँ अच्छा, हाँ दिखाइए जरा। अरे आपको तो काफी कमजोरी है, मैं एक गोली देता हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। ये
एक बार गोली अंदर, फिर हमेशा के लिए आ रहा। अब अंदर जाकर आराम से सो जाओ। हाँ, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे। अब यहां से आने जाने वाले हर एक को ये बोर्ड दिखेगा। हाँ साहब। अरे साहब नहीं, कॉल मी डॉक्टर, डॉक्टर अजीत कुमार देव। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रह गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे इधर देख, बस में एक आदमी को जहर देकर उसे लूट लिया। पुलिस उस आदमी को ढूंढ रही है। एक गोली अब हमेशा के लिए। यहाँ कोई सलून है? दाहिने जाके सामने ही है। थैंक यू। उठ जाइए ना बाबा, आए ने आपको उठाने के लिए कहा है बाबा। चलिए उठिए ना। बाबा मर तो नहीं गए? ए आई, बाबा मर गए। आई देखो, बाबा मर गए। ए आई, बाबा मर गए। अरे मेरे बाबू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे बाबू, आपके पास माचिस है क्या जी? अरे मुर्दिया, क्यों चाहिए तुझे माचिस? अभी तू मुझे जलाना चाहता है क्या? आपको नहीं दादी, बाबा मर गए ना, उनको जलाने के लिए चाहिए। अरे तेरी जुबान को कीड़े पड़े मुर्दिया। सुनिए सुनिए, उठिए ना। अरे मेरा बाबू। चल हट बाजू। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ मैं ही हूँ डॉक्टर, डॉक्टर अजीत कुमार देव। डॉक्टर देखिए ना, इनको क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई हरकत ही नहीं कर रहे हैं। आपने कल वो गोली दी थी ना, तब से आंख ही नहीं खोली उन्होंने। एक बार गोली अंदर, फिर हमेशा के लिए आ रहा। क्या करूंगी अब, मैं कैसे जीऊंगी? बाबू मुझे छोड़ के चला गया, अब मैं क्या करूं? आई चला गया। आई कौन मर गया? अरे मेरा बाबू चला गया। बाबू, अरे मैं जिंदा हूँ ना। ए आई, आई, आई। क्या हुआ रे? बाबा जिंदा हो गए। तुझे बताती हूँ मैं। बोलूंगा मैं। क्यों जी, क्या हो गया था? बहुत दिनों के बाद अच्छी नींद आई। सब डॉक्टर का कमाल है। वो डॉक्टर कहाँ? बाहर है, चाय के लिए बुलाइए उन्हें। ठीक। डॉक्टर। हाँ बोलिए। अंदर चलिए, चाय पियेंगे ना? अरे क्यों तकलीफ ले रहे हैं आप? नहीं चलिए चलिए। अरे वाह, बोर्ड भी लग गया। हाँ वो गांव में पता चल जाएगा, नया डॉक्टर आया है। चलिए। हाँ चलिए। हाँ। तू मुझे बताए बिना मुंबई जाके आ गई? हाँ तो, और एक आदमी वो तो मुझे हीरोइन भी बनाने वाला था, लेकिन वो हवलदार, उसने बीच में टांग अड़ा दी, मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। तू नाराज मत होना, इधर मैं हूँ ना, दिल दिया है तो जान भी दे देंगे, कुछ भी करके मैं तुझे मुंबई लेके जाऊंगा। इतना प्यार करता है मुझसे? हाँ तो बहुत 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 करता हूँ। और ये देख, कल ही टैटू बनाया तेरे नाम का। डिपल। अरे डिंपल में एम कहाँ है? तुझे तो मेरे नाम का स्पेलिंग भी नहीं पता, और तेरे भरोसे मैं मुंबई आ जाऊं क्या? डिंपी। आइडिया। क्या? शर्ट उतारो। उतारो ना शर्ट। ये क्या? अरे डिंपी कहाँ है तू? अरे चल चल चल, मम्मी बुला रही है। अरे जा ना, अरे जा ना तू।
डॉक्टर। अरे ये नहीं, ये उठ जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं, उठ जाइए। डॉक्टर आपका एहसान कैसे चुकाऊं समझ में नहीं आ रहा, आप तो हमारे लिए भगवान का अवतार बनकर आए। आप पहले खड़े हो जाइए, उठिए, आप पानी लेंगे। डॉक्टर कल तक ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, लगता था अब घर नहीं बचेगा, आप आए अब लगता है हमारी किस्मत में नया मोड़ आ गया। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो थोड़ा इमोशनल हो गए। भाऊ ये वड़ा मेरी वजह से बच गया, इसलिए मेरे पैरों पर गिर गए थे। सच ही तो है वो, अब सिर्फ ये घर ही बचा है हमारे पास, और वो भी आप ही ने बचाया है। बाकी लोगों के पूर्वज आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन जायदाद स्टेट छोड़ जाते, और हमारे बाप दादों ने बस कर्जा छोड़ा है हमारे लिए। उसी कर्जे को चुकाने के लिए जितनी जमीन थी सब बेचनी पड़ी, अब सिर्फ एक खानदानी बंदूक बची है, उसी के बलबूते बचे हैं हम। अब बंदूक के बलबूते मतलब? उसका जो लाइसेंस था तभी तो तहसील के बैंक में वॉचमैन की नौकरी मिली है मुझे, रात की नौकरी करता हूँ। अच्छा मतलब आप रात को घर में नहीं होते? यही मजबूरी है डॉक्टर, ये नौकरी छूट गई तो जहर खाकर जान देनी पड़ेगी। वैसे कल तो आपकी दवाई ने हम सबकी जान बचा ली, सच में डॉक्टर साहब। बाबू मैं यही हूँ। हाँ मैं जरा गांव में चक्कर लगा के आती हूँ। हाँ ठीक है। डॉक्टर ये मेरी आई है, दिखाई नहीं देता है इन्हें। अच्छा आज मेरे क्लिनिक का पहला दिन है, आई से आशीर्वाद लेता हूँ, ये लीजिए। आई आशीर्वाद दीजिए। आई तू किसका बेटा है, तेरे बाबा का नाम क्या? चंद्रकांत। मेरा कभी संबंध नहीं आया इस आदमी के साथ, मैं कैसी तुम्हारी आई? आया है बड़ा रिश्ते जोड़ने, जा चुपचाप अपना काम कर चल। डॉक्टर तुम कहां से आई? इस तरफ से। वो कमरा साफ किया है, कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। ये यहाँ रख देती हूँ। ये क्या आप भी नकली दस्तखत कर लेते हैं? मेरे कॉलेज में मेरे पापा की दस्तखत मैं करती हूँ। तुम्हारा कुछ काम था मेरे पास? नहीं वो मम्मी ने भेजा था पूछने के लिए कि आपको कुछ और चाहिए। नहीं कुछ नहीं, जरूरत होगी तो बता दूंगा, तुम जाओ। ये कौन सा सर्टिफिकेट है? नीचे रखो। अपना नाम क्या बताया? डिंपल। ब्यूटीफुल। अरे क्या हो गया ये आपको, ऐसा कैसे हो गया? आई डॉक्टर का है मंगल मामी जरा देखो ना, आई कुछ बोल नहीं रही है, आंखें भी नहीं खोल रही है, डॉक्टर का पर है। अरे जना कहाँ गई तू मुझे छोड़ के, अब मैं चाय किसके पास पीऊं, अब मिश्री किससे मांगू। देखिए ना बुआ जी बात ही नहीं कर रही है मुझसे। अरे जना सुबह ही तो मुलाकात हुई थी हमारी, बोल रही थी कि बहू पटनी खिलाती मुझे,
अरे मुझे कहती तो मैं खिलाती तुझे मटन, पर लोग सिधारने की क्या जरूरत थी तुझे? मुझे कहती थी एक वक्त का खाना खाकर मैंने पैसे और 30 तोला सोना जमा किया है और मैं वो मेरे बच्चे को देने वाली हूँ, लेकिन बच्चा कहाँ ध्यान दे रहा है? मैं जाती हूँ घर छोड़कर और अब तो दुनिया ही छोड़कर चली गई जाने। क्या आई के पास 30 तोला सोना है? क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? ये हैं डॉक्टर साहब। नमस्ते, मैं अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार देव। डॉक्टर मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। देखो ना आंखें नहीं खोल रही है, गलती से भी उसकी सांस रुकी ना तो आपकी सांस भी हमेशा हमेशा के लिए रोक दूंगा। कुछ भी हो जाए मुझे मेरी आई जिंदा चाहिए, मतलब चाहिए। आप पहले शांत हो जाइए, पेशेंट को लेकर अंदर आइए, मैं उन्हें चेक करता हूँ, जल्दी लेकर आइए। अगर मेरी आई को कुछ हुआ ना डॉक्टर तो आज गांव में दो चिता जलेगी, दूसरी आपकी होगी डॉक्टर, वादा है ये पज्जिया भाव का। देखिए आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, मैं इन्हें चेक करता हूँ, आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए। चाहिए हाँ हाँ चलिए चलिए सब लोग चलिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। बज्जिया भाव उन्हें अपना काम करने दीजिए, हम बाहर चलते हैं। चलो चलो चल। पहले ही दिन क्लिनिक में आकर मरना था। बहू की खिटपिट से तंग आकर जान छोड़ी है उसने। हाँ हाँ सारी तमन्नाएं पूरी की है बुढ़िया की, इतना सब कुछ किया है बुढ़िया के लिए, लेकिन गहनों वाली बात तो बाहर वालों को ही बताई इन्होंने, हमें तो पता तक नहीं चलने दिया, समझा क्या? अरे तुझे बुढ़िया मर गई इस बात का दुख है या सोना कहाँ रखा ये नहीं बताया, इस बात का दुख है? पर मुझे ये बताओ कि जब बुढ़िया मर चुकी उसके प्राण निकल चुके हैं तो इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है? क्या हो गया, कैसी भीड़ लगी है ये? चना बुआ को चक्कर आया और वो गिर गई, सांस भी नहीं चल रही है उनकी। तो फिर यहाँ क्यों लाया है? बाहर बोर्ड नहीं पड़ा क्या? मुंबई से नया डॉक्टर आया है, यहाँ घर में उसने दवा खाना शुरू किया है। मुंबई का डॉक्टर? इस डॉक्टर का मुंबई में बहुत नाम है, बहुत नाम कमाया, जना बुआ को बचाएंगे वो। अरे इसे बचाएगा तब पता चलेगा डॉक्टर का कितना नाम है। माफ कीजिए, उनकी मौत हो चुकी है।
एक आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। मेरे पास एक इंजेक्शन है, उसकी कीमत 20,000 रुपए है। अगर उससे कुछ असर हुआ तो चलेगा डॉक्टर। दो लोग मेरे साथ आइए, प्लीज जल्दी से। आप उन्हें पकड़ कर रखिए। हाँ। तो पैर पकड़ आई के आई नामिया। अरे आई को तू ठीक से पकड़ना। जिंदा हो गई। अरे चमत्कार हो गया, मौसी जिंदा हो गई। मेरी आई जिंदा हो गई, मौसी जिंदा हो गई। अयो हमारी बुआ जिंदा हो गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। भगवान नहीं, भगवान जैसे डॉक्टर की कृपा हुई है। हाँ। डॉक्टर आप तो भगवान हो डॉक्टर, सच में आप भगवान हो डॉक्टर, सच में आप भगवान हो। रुक, कहां भागे जा रहा है? एक गोली अब हमेशा के लिए आ रहा हूं। बिना पूछे अंदर क्यों आती हो? अयो इतना सारा पैसा, वो भी एक दिन में? इतना सारा पैसा कमाते हैं आप? हाँ। मैं मदद करूं क्या पैसे गिनने में? नीचे रखो। मेरे बगैर कोई मेरे पैसों को छुए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अयो ये खबर पढ़ी क्या आपने डॉक्टर? आपके तो होश ही उड़ जाएंगे ये खबर सुनकर। एक बूढ़े इंसान को किसी ने जहर देकर मार दिया और उसके पैसे भी लूट लिए। 60,000 का बंडल था उसके पास, कल आपके पास जैसा था ना, बिल्कुल सेम टू सेम। मैंने अब तक 100-150 लोगों का खून किया है। उन्हें कहां मारा, कहां दफनाया, सब बताता हूं सर।